हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आ रखे थे हम देवलगढ़ में, तो हम देवलगढ़ की जो सीरीज़ थी वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी और अब वक्त हो चला है यहाँ से वापस जाने का। तो आज की जो ट्रिप होने वाली है वो है देवलगढ़ से घर के लिए। तो अगर आज की ट्रिप की बात करूँ तो बीच में बहुत खूबसूरत गाँव है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, तो आज उनको दिखाते हुए जाने वाले हैं। तो एक ये मोटो ब्लॉग होने वाला है, तो हम जगह जगह में रुक के उन गांव को दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वैसे अभी के टाइम पर मैं देवलगढ़ में हूँ, देवलगढ़ यहाँ से थोड़ा सा आगे है। और अगर आपने देवलगढ़ की सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी के साथ में आई कार्ड पर भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उन सीरीज़ को जाकर देख सकते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू देवलगढ़ के बारे में। तो अभी के टाइम पर यहाँ का ये मौसम देख सकते हैं, हसीन वादियाँ देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और मेरे साथ में अभी के टाइम पर जो आ रखे हैं वो है अरुण, ऑफिशियल अरुण। इनका यूट्यूब चैनल है, तो इनके यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। तो ये आज मेरे साथ यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं। तो अरुण भाई, कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। तो दरअसल आप स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ही पूछा, दरअसल हम ना पहले यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, तो जो मैं बात कर रहा था ना देवलगढ़ की सीरीज़, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और आपको इस वीडियो से पहले वो वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अब वक्त हो चला है यहाँ से वापस जाने का। तो हम जाते वक्त जो गांव थे ना बीच में, वो बहुत खूबसूरत गांव थे और इसी के साथ में लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी और हिमालय भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से आज ये सारे दिखाने वाले हैं, जहाँ से हम मतलब जाते जाते इन जगहों को दिखाएंगे। तो चलते हैं, बने रहिए। तो अब सीधा आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको आगे दिखाते हैं कैसा आगे। गांव है भटोली गांव है यहाँ पर, जो अभी ये सामने दिख रहा था, इस गांव का नाम था भटोली। और यहाँ पर है साफ पानी, तो हमारी बोतल में ना गंदा पानी है, एक बार इसे साफ पानी भर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर है भाई पानी। और ये गांव है सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, भटोली गांव है। तो दरअसल हमने आगे पानी भरा था नल में, वो पानी साफ नहीं था, गंदा हो रखा था। हाँ भाई, ठंडा हो रखा है यार पानी। तो ये जगह थी भटोली गांव, और अब चलते हैं यहाँ से वापस आगे, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर पानी भी मिल गया भाई, पानी था ना जो बहुत बढ़िया था, मीठा पानी था, बहुत चिल्ड पानी था, ठंडा पानी, मज़ा आ गया। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर रोड ख़राब हो रखी है, बस इधर ही है रोड ख़राब, बाकी तो ठीक ही है। तो यहाँ से इस साइड में श्रीनगर दिखाई देता है, इसी के साथ में जो श्रीनगर का डैम है ना वो भी दिखाई देता है इस साइड में। तो आगे चल के दिखाते हैं आपको इस जगह को, इस जगह से श्रीनगर दिखाएंगे और इसी के साथ में इस जगह का डैम भी दिखाएंगे। तो भाई अब पहुँच चुके हैं हम मलेथा गांव में। यहाँ पर मलेथा गांव का बोर्ड लगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि ये वो वाला मलेथा है जहाँ के माधव सिंह जी थे या फिर कोई दूसरा गाँव है, ये कन्फर्म पता नहीं है। अगर आपको पता हो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वही गांव है कि दूसरा गांव है। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मलेथा गांव यहाँ से नीचे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है यही है। और यहाँ पर ना कुछ तिबरियाँ भी बनी है भाई। और इसी के साथ में यहाँ से श्रीनगर दिखाई देता सीधा डायरेक्ट आगे, तो उस जगह को दिखाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ से डैम भी दिखाई देता श्रीनगर का, तो एक बार दिखाते हैं आपको आगे सीधा। तो यहाँ से बिल्कुल अगर आप सीधा आगे देखते हैं तो आगे आपको श्रीनगर दिखाई दे रहा है, और वो नदी दिखाई दे रही है नदी जाते हुए। और मुझे लग रहा है वहाँ पर ना आगे चल के वो डैम भी है वहाँ पर, लेकिन पता नहीं है, मुझे कन्फर्म पता नहीं है कि वो डैम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, इस गाँव के साथ में ये व्यू जो आ रहा है ना बहुत ही खूबसूरत, और उसी के साथ में ये हरी भरी वादियाँ देख सकते हैं, ये पहाड़ देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और अब चलते हैं यहाँ से आगे, तो आगे भी ऐसे ही व्यू हैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे ना, ऐसे ही व्यू हैं आगे चल के। गांव भी बहुत बड़े बड़े गांव हैं जो कि पूरे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो चलते हैं आगे, आगे आपको रास्ते पर मिलते हैं सीधा। तो जगह को देख कर ना दिल खुश हो गया, मतलब लग रहा है कि ट्रिप ख़राब नहीं हुई है और मज़ा आ रहा है भाई। ये जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। अब आ गए हम खिरसू वाली रोड पे, तो यही रोड जाती है सीधा पौड़ी भी। तो अभी इस जगह पर पहुंच गए हैं, वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया इससे जस्ट पहले, राइट? लेकिन आप पीछे ये वैलियाँ देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, और ये हरी भरी वादियाँ
इसी के साथ में जो आपको लास्ट में वो दिख रहा है ना, क्या कहते हैं, बादल दिख रहे हैं, तो वो हिमालय रेंज है। वहाँ पर हिमालय पे पूरे बादल लगे हुए हैं। तो यहाँ से अगर लास्ट में देखते हैं आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी हिमालय रेंज है। तो पूरी इस साइड में जा रखी है पूरे पीछे तक। तो इन वादियों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आगे जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे गांव हैं, लेकिन इन गांव का नाम पता नहीं है कि गांव का नाम क्या है। यहां पर एक गांव है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जो ना उनके नाम से एक गांव है जहां से बहुगुणा जी मतलब बिलोंग करते थे, उनका गांव है यहां पे पीछे। तो वहां पर किसी और दिन आएंगे उस जगह को दिखाने के लिए, राइट। लेकिन अभी के टाइम पर इस लोकेशन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अभी धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर हल्के हल्के काले बादल आना शुरू हो गए, व्हाइट के साथ में ब्लैक बादल भी आना शुरू हो गए। तो मुझे लग रहा है कि शाम के टाइम पे क्या पता चांसेस है कि बारिश हो सके। तो आप इन वादियों को देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। अगर आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन वाली एक वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको हिमालय की रेंज बताई थी, राइट। नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देखना। तो उस वीडियो में मैंने हिमालय दिखाया था, जिस जगह से मैंने हिमालय को दिखाया था, तो वो इधर ही आ रहे थे हम, यहाँ पर इसी साइड में आए थे इन गांव के सामने, और यहाँ से दिखाया था हमने हिमालय को आपको। और यहाँ से बिल्कुल सीधा वहाँ लास्ट में आगे देखते हैं, लास्ट वाली जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर खिरसू है, तो वहाँ पर पहुँचेंगे पहले हम, और उसके बाद वहाँ से पौड़ी है लगभग 18 से 20 किलोमीटर के अराउंड में। तो अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा आगे चलते हैं, आगे के गांव भी दिखाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। एक गांव है हमारे उधर उकाल, अगर आपने देखा होगा वीडियो, ठीक है, तो उकाल गांव की तरह एक गांव है यहाँ पे, जो कि जैसे उकाल गांव बसा है ना जैसी जगह पे, वैसी है बिल्कुल सेम उकाल गांव की याद दिलाता है। तो उस गांव को भी जाकर दिखाएंगे, तो बने रहिए, आगे चलते हैं यहाँ से। तो हल्की हल्की ना बारिश की बूंदें भी पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि बारिश ना ही हो तो ही अच्छा है। मतलब और ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने वाला गांव, ये है उज्जवलपुर। तो इस जगह को देख सकते हैं, ये गांव भी बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ में अगर इस व्यू पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से यहाँ इस तरफ में भी गांव देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि यार हमें गाँव के नेम पता नहीं है, अगर नाम पता होते तो मज़ा आ जाता, मतलब कुछ बात ही कुछ और रहती। तो यहाँ पर भी एक गाँव, और उधर भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से बसे हुए। वो जो लास्ट में आपको पूरे बादल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा हिमालय है उधर में लास्ट में बिल्कुल। और उसी साइड में चमोली भी शुरू हो जाता है, तो वो चमोली की साइड है जो उस तरफ में दिखाई दे रही है आपको। तो अब चलते हैं उज्जवलपुर से आगे, और आगे दिखाते हैं आपको कुछ और भी बहुत ही खूबसूरत गांव है आगे चल के, तो उनको भी दिखाते हैं अब आपको। तो भाई उस गांव में पहुंच चुके हैं जिस गांव की बात कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो अभी हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस गांव की बात कर रहा था मैं कि उकाल की तरह दिखता है, तो उस गांव को दिखाने वाला हूं। लेकिन इस गांव का नाम मुझे दरअसल पता नहीं है ना, तो एक बार थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। तो आगे एक बोर्ड लगा है जहाँ पर इस गांव का नाम लिखा है, तो एक बार देखते हैं उसी के साथ में फिर आपको गांव दिखाते हैं। तो यहाँ पर गांव का नाम लिखा है कोटगी, तो गांव का नाम है कोटगी। जैसे कि आप यहाँ से नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ से नीचे गाँव दिखाई दे रहा है जो कि कोटगी गाँव है। तो यहाँ से वैसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अखरोट के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा ये कोटगी गांव। तो ये जैसे उकाल गांव है ना बसा हुआ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये देख सकते हैं गांव जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कोटगी गांव सिर्फ यहां पर नहीं है, थोड़ा सा यहां पर पीछे की साइड में भी है और थोड़ा ऊपर की साइड में भी है, लेकिन यहां से पूरा फ्रेम नहीं आ रहा ना, नीचे ही नीचे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा है। उधर का तो जाते वक्त दिखाएंगे आपको, लेकिन नीचे जो भी दिख रहा है ना वो बिल्कुल सेम उकाल लगता है, और बहुत ही खूबसूरत है गाँव यार, ऐसा नहीं है कि बुरा है, ठीक है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह में यार, गांव भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर जो अच्छी बात यह है कि जितने भी पहाड़ी टिपिकल घर होते थे, पहाड़ी स्ट्रक्चर में बने होते थे, पत्थरों के घर बने होते थे, वैसे ही यहाँ भी घर। हाँ, तो यहाँ से अब सीधा आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको कुछ गांव। तो
तो यहाँ से भी आगे देख सकते हैं, आगे ऊपर खिरसू दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, और यहाँ पर पता नहीं है कौन सा गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अभी हम खिरसू जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ से फिर इस साइड में पौड़ी होते हुए जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ऊपर खिरसू दिखाई दे रहा है। वैसे खिरसू की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम जिस गाँव की बात कर रहे थे ना, जो ग्वाड़ कह रहा था मैं, वो यहाँ पर है ये गाँव। तो ये जगह है ग्वाड़, तो आगे हमने गलत जगह बता दी थी ग्वाड़। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड खिरसू। तो खिरसू यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है, खिरसू वैसे ये पूरा खिरसू में ही आता है, जगह खिरसू ही है। और यहाँ पर एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, तो आपको भी दिखाता हूँ यहाँ से नीचे। दरअसल यहाँ से जो नीचे वाले जो जंगल है ना, वो पूरे के पूरे अखरोट के हैं, तो यहाँ से खैर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ से देखते हैं तो आपको वो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे नीचे, जो गहरे वो है ना, हम क्या कहते हैं इसे, रौला कहते हैं हम इसे, तो आप खाई की तरह समझ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अखरोट के पेड़ दिखाई दे रहे हैं पूरे, तो यहाँ पर पूरे के पूरे अखरोट के पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा अखरोट के पेड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये पूरा जंगल देख सकते हैं, बांझ के जंगल है, मतलब काफ़ी सारे पेड़ हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं। और वो सामने दिखाई दे रहा है आपको खिरसू, वैसे वहाँ का क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि उस तरफ में सूरज है और इसी के साथ में बादल भी लग गए हैं ना, तो इसकी वजह से साफ नहीं आ रहा होगा। लेकिन उस जगह को दिखाता हूँ जिस जगह पर अभी हम आकर रुके हैं, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इस जगह को देख सकते हैं जहाँ पर अभी हम आकर रुके हैं। यहाँ से पौड़ी है 21 किलोमीटर और खांकरा जो दूसरी साइड को रोड चली जाती है वो यहाँ से 38 किलोमीटर है। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो यहाँ से ये हरी भरी वादियाँ दिखाई दे रही है, ये ग्रीन वैली दिखाई दे रही है, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक बार आप भी यहाँ से ये हरी भरी वादियाँ देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। नाउ फाइनली हम घंजाल में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, बहुत ही बढ़िया दिखता है, एक बार आपको भी आगे दिखाता हूँ। तो जो घंजाल है वो इस तरफ में, वैसे मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है घंजाल भी, और यहाँ से ये व्यू देख सकते हैं। इसी के साथ में ये हरी भरी वादियाँ दिखाई दे रही है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो अभी तक की ट्रिप की बात करूँ तो ट्रिप में बहुत मज़ा आया, और जो देवलगढ़ से यहाँ की ट्रिप थी ना वो बहुत ही बढ़िया थी, रोड भी बहुत बढ़िया, और इसी के साथ में जो बीच में गाँव पड़ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ओवरऑल अगर ट्रिप की बात करूँ तो बहुत ही मज़ा आया। और इसी के साथ में अब वक्त तो चला है इस ट्रिप को यहीं पर समाप्त करने का, वीडियो को यहीं पर एंड करने का। मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार आगे की जगह दिखा रखी है, ये जो एरिया था ना जो इस पर आज दिखाया जो मैंने, वो नहीं दिखा रखा था दरअसल मैंने काफ़ी बार। तो यहाँ से अगर आगे की बात करूँ तो आगे सीखूखाल गाँव शुरू हो जाता है, उसके बाद मतलब पूरा ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है। तो इस ट्रिप को यहीं पर एंड करते हैं, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ में। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ में ऑफिशियल अरुण भी है, ये भी यूट्यूबर है यहाँ के लोकल। तो अरुण भाई कैसी रही आपकी ट्रिप? मस्त भाई, मस्त यार, मज़ा आया ना। हम तो सोच ही रहे थे कि यार दो चार दिन बाद मतलब करते हैं ट्रिप, तो भाई ने बोल दिया कि जल्दी करते हैं कोई ट्रिप। आज फोन आया था सवेरे, बोला चलते हैं कहीं, मैंने कहा ठीक है डन। आप इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल अरुण है, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और वही सेम बोलूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।